स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल तुर्का व्लॉग्स में। प्लीज़ इस चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस भी आप देख सकें। दोस्तों आज की वीडियो है सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग। सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा इंडियंस के लिए, तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है सिंगापुर मल्टीपल एंट्री वीज़ा फ्रॉम इंडिया। तो नीचे काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, तो ये जो MFA.government.sga इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट जो सिंगापुर का वीज़ा प्रोवाइड कराती हैं आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम खोलेंगे सिंगापुर की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो नीचे आ जाएगा वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियन नेशनल्स। इसके अंदर फॉर्म नंबर 14A, ये भी आपके इसने डिटेल दे रखी है, आपको फ़ोटो की क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए वीज़ा के लिए वो भी दे रखा है, और एक और है फॉर्म नंबर V39A, ये भी दे रखा है। आप इन तीनों को चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली ये वेबसाइट आपको वीज़ा नहीं प्रोवाइड कराती, ये इस पे वेबसाइट पे सिर्फ वही वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो या तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एजेंट हैं इनके स्पेसिफाइड, और या फिर इनके लोकल पार्टनर हैं जो सिंगापुर में ही रिजाइड करते हैं। तो आम इंडियन नेशनल्स यहाँ से वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। वीज़ा अप्लाई करने के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे थॉमस कुक होगी, कोक्स एंड किंग्स होगी, लेकिन सबसे सस्ता है मेक माई ट्रिप, ये प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इनके वीज़ा सेक्शन में आप इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे जाके भी वीज़ा सेक्शन खोल के सिंगापुर का ये सारी डिटेल्स डाल के अपनी चेक कर सकते हैं। और 2190 रुपये इनकी फ़ीस है, जिसके अंदर 1600 एम्बेसी फ़ीस है, 500 एक कुरियर और कन्वीनियंस चार्जेस अपने लेते हैं, GST अमाउंट है 90। 2190 सबसे सस्ता यही प्रोवाइड कराते हैं, बाकी कंपनीज हैं जो और इनसे महंगा है थोड़ा सा। और ये आपको 30 दिन का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है सिंगापुर की तरफ से, टूरिस्ट वीज़ा, तो आप इनसे यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ सबसे पहले आप इनको पेमेंट करेंगे तो ये आपको इनके वीज़ा की जो टीम है वो आपको कॉल करेगी और आपके लिए बताएगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट का फ्रंट और बैक अपलोड करेंगे, जो भी आपका पासपोर्ट का डिटेल, वो इनका ऐसे ही प्रोसेस वर्क करता है। सबसे पहले आप यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल्स फ्रंट और बैक की अपलोड करते हैं वीज़ा के लिए, तो फिर इनके बाद आप इनको ऑनलाइन पे करते हैं, तो फिर इनकी टीम वीज़ा टीम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। वो आपको इनको कुरियर करने पड़ते हैं अपनी तरफ से, उसके बाद जब वीज़ा आ जाता है तो तब ये आपको कुरियर कर देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी डिटेल्स। ये मैं ट्राई कर रहा था पासपोर्ट के लिए, और डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है आपकी, रिटर्न टिकट्स होगी फ्लाइट की, और अकोमोडेशन होगी आपकी, पासपोर्ट जो इमिग्रेशन में पूछते हैं, और बैंक बैलेंस की बात करें तो आपकी जो भी आप यहाँ पे करते हैं अगर ITR भर रखी है वो भी आप लगा सकते हैं, और मिनिमम 50,000 रुपये आपके बैंक में होने चाहिए, एक दिन पुराने भी चल जाएंगे, उसके लिए आप वीज़े के लिए आप भी डलवा सकते हैं और आप वीज़ा ले सकते हैं सिंगापुर का, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और सिर्फ आज के लिए इतना ही, ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको वीज़ा के लिए चाहिए होती हैं, और इस वेबसाइट से आप मेक माई ट्रिप से और भी वीज़ाज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी वीज़ाज़ के रिगार्डिंग। धन्यवाद।